दुनिया ने 2019 को खुदा हाफिज और 2020 को खुशामदीद कह दिया। न्यूजीलैंड के करीब जजीरे सामवा में 2020 शुरू। न्यूजीलैंड और सिडनी में भी न्यू ईयर नाइट में आतिशबाजी की तैयारियां मुकम्मल। सिडनी हार्बर पर जश्न मनाने के लिए लाखों अफराद जमा। पाकिस्तान में नया साल शुरू होने में 9 घंटे बाकी। मंचलों की न्यू ईयर नाइट पर हल्ले गुल्ले की तैयारियां, पुलिस के इंतजाम भी मुकम्मल। कराची में हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी, वन व्हीलर पकड़े जाएंगे, डबल सवारी पर पाबंदी का हुक्मनामा वापस। क्वेटा में भी दफा 144 नाफिज, हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और मौसिकी की महफिलें सजाने वालों की आएगी शामिल। नया साल आएगा, महंगाई लाएगा। क्या हुकूमत नए साल के आगाज पर महंगाई का तोहफा देगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी। पेट्रोल 2.61 रुपए और हाई स्पीड डीजल 2.25 रुपए फिल्टर महंगा करने की सिफारिश। नए साल में गैस की कीमतों में 245% और फरवरी में बिजली की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत का गरीब आवाम से खिलवाड़। पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतें बढ़ाई, अब दिया जाएगा 3 माह के लिए मामूली रिलीफ का झांसा। आटा, घी, चीनी, दालों, चावल पर सब्सिडी देने का फैसला। पैकेज पर 7 जनवरी 2020 से अमल दरामद शुरू होगा। वजीर आजम इमरान खान इफ्तिताह करेंगे। करने वाले हो जाए होशियार, कवानीन के खिलाफ वर्जी पर कल से होंगे भारी जुर्माने। तेज रफ्तारी पर बस को 10,000, कार को 2,500, ओवरलोडिंग पर 5,000 जुर्माना। हाईवे पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले 1,000 जुर्माना भरेंगे। कड़ाके की सर्दी में गैस का बदतरीन बहरान। घरों में गैस है ना सीएनजी स्टेशन पर, खवातीन के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। बाजारों में तंदूर मालिकान भी परेशान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी स्टेशन को भी सप्लाई बदस्तूर मौतल। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्टोर बगरूट में -10, कल्लाप में -6, मरी क्वेटा में -3 रिकॉर्ड। कल्लाप में यकबस्ता हवाएं, पाइपलाइनों और सड़कों पर पानी जम गया। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने का सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में बादल बरसेंगे। वफाकी काबीना का इजलास जारी, सियासी मौशी सूरत हाल का जायजा, ईसीसी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बिलावल भुट्टो की एमक्यूएम को ऑफर, हुकूमत भी मुतहरिक हो गई। वजीर आजम की हिदायत पर जहांगीर तरीन की सरबराही में वक्त का मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात का फैसला। एमक्यूएम के मुतालबात पर गौर होगा, तहफुजात का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के हुकूमत पर वार। कहा, सिलेक्टेड हुकूमत से कोई रिलीफ चाहिए ना जरूरत है, ना लायक और नाअहल हुकूमत मुल्क तबाह कर रही है। नैब न्याजी गठजोड़ से मईशत, कारोबार, रोजगार तबाह हो गया। पीआईए के मुलाजमीन की डिग्रियां चेक करने का हुक्म। अगली समाअत पर चेयरमैन, एचईसी, एमडी, पीआईए और अटॉर्नी जनरल तलब। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान रिटायर। फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब में कहा कि अदलिया बदौर इदारा शहरियों की हुकूक की जामिन है। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मामून रशीद कल हल्फ उठाएंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर मोहम्मद नईम को फौरी हटाने का फैसला। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए आईजी के लिए मोहम्मद ताहिर, सनाउल्ला बासी और मोहम्मद सुलेमान के नाम वजीर आजम ऑफिस भिजवा दिए। कराची में रिंचोड़ लाइन में इमारत कैसे गिरी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। कराची पुलिस चीफ का शहर भर की मखदूस इमारतों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। लाहौर के टॉप 10 बदमाशों की फहरिस्त लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। गोगी भट्ट की दरख्वास्त पर अदालत का डिप्टी कमिश्नर और दीगर को नोटिस। मलेशिया में मैसूर पाकिस्तानियों को लेकर तैयारा, वतन वापस रवाना। शाम 6:10 पर परवाज इस्लामाबाद लैंड करेगी। वतन वापस लाने पर मुसाफिर वजीर आजम इमरान खान के शुक्रगुजार। कश्मीर में मोदी सरकार की दरिंदगी की इंतहा। वादी में कर्फ्यू को 149 रोज हो गए। कश्मीरियों के पास खुराक है न अद्वियात। शदीद सर्दी में शदीद मुश्किलात का शिकार। तो इन सारी चीजों को लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूंढने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। उसके लिए जाहिर है शुरू में आपको झटके लगते हैं। होपफुली इंशाल्लाह जल्दी हम इस पे काबू पाएं और दोबारा से उस विनिंग स्ट्रीक पे वापस आएं ताकि ये टीम मोर कॉन्फिडेंट हो। हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाल हक कौमी क्रिकेट टीम के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद। नए साल पर पैगाम में कहा कि कौमी टीम मुस्तकबिल में बेहतर नतीजे देने की सलाहियत रखती है। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का भी कराची के वासियों के नाम पैगाम। कहा खुशियां मनाएं लेकिन फायरिंग ना करें। Assalamualaikum everybody, this is Amr and this is Faryal. Happy New Year. We want to wish you all Happy New Year, inshallah. You all have a great 2020. Hope you had a great 2019, inshallah next year is going to be better. 2020 is going to be a big year for Pakistan, inshallah. Inshallah. नए साल पर बॉक्सर आमिर खान और एहलिया फरियाल का नाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहते हैं अल्लाह करे 2020 पाकिस्तान और आवाम के लिए खुशियों भरा साल साबित हो। फास्ट बॉलर नसीम शाह जूनियर वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, हतमी फैसला आज होगा। कौमी टीम इंतजामी और सिलेक्शन कमेटी का नसीम शाह को जूनियर वर्ल्ड कप ना खिलाने का मशवरा। जूनियर टीम इंतजामिया खिलाने की हामी। कॉलेज में अजनबी, सोशल मीडिया पर कुर्बत। जनूबी अफ्रीका का प्रेमी जोड़ा ट्विटर पर मोहब्बत के इजहार के बाद शादी के बंधन में बंध गया। दुल्हा और दुल्हन अजनबियों की तरह इकट्ठे पढ़ते रहे लेकिन मोहब्बत का इजहार ट्विटर पर ही किया। और टीवी, रेडियो और फिल्म के अदाकार जमशेद अंसारी का 77वां यौम-ए-पैदाइश है। अनकहीं तन्हाई, अंकल उर्फी, हाफ प्लेट, झरो के समेत 200 ड्रामों में काम किया। 24 अगस्त 2005 को 63 साल की उम्र में खालिक के हकीकी से जा मिले थे। नए साल के दुनिया में 2020 शुरू हो गया। पाकिस्तान में 9 घंटे बाद नया साल शुरू होगा। खुद आया नया साल, अम मोहब्बत और तरक्की का साल हो। आज 2019 का आखिरी रोज है और पाकिस्तान में 9 घंटे बाद नया साल शुरू होगा। बिल्कुल, 9 घंटे बाद पाकिस्तान में नए साल का आगाज होगा जबकि दुनिया में इसका आगाज हो चुका है। अगर बात की जाए जज़ीरे समूह की तो वहां पर नया साल शुरू हो चुका है। ठीक 3 बजे वहां पर नए साल का आगाज हुआ और 9 घंटे बाद पाकिस्तान में नया साल शुरू होगा।